नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी 12th इंडेक्स क्वेश्चन 2.1 से लिया गया है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी इसमें आपको बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों के मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। बेंजीन का मास 22 ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास 122 ग्राम दिया हुआ है। अब सिंपलीफाई करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक कंपोनेंट बेंजीन है और बी कंपोनेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब इसमें मास ऑफ ए कितना दिया है? डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए मीन्स मास ऑफ ए मीन्स बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन इक्वल कितना दिया है? 22 ग्राम। एंड मास ऑफ बी इक्वल ये कितना दिया है? बी मतलब यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड है और कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है 122 ग्राम। अब हम यहाँ पर पहले ए का परसेंटेज पता करते हैं। ए मीन्स यहाँ बेंजीन है। इक्वल मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल डब्ल्यू ए अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन है, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। अब यहां पर मास ऑफ ए आपको दिया गया है 22 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए 22 ग्राम प्लस मास ऑफ बी 122 ग्राम। अब आप इसे इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 22 डिवाइडेड बाय 144 इनटू 100। इसका आंसर आ रहा है 15.28%। ये आप चाहे तो यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मास परसेंटेज डिटरमाइन कर सकते हैं। वो कैसे? हम उसकी दो मेथड है। पहला, आपको इसके पहले बेंजीन का मास परसेंटेज मालूम हो चुका है तो आप सीधे यहाँ कह सकते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ बी इक्वल 100 में से मास परसेंटेज ऑफ ए, ए का मास परसेंटेज सबट्रैक्ट कर दीजिए 15.28, 84.72%। या हम इसी को ऐसे भी पता कर सकते हैं, मास परसेंटेज ऑफ बी इक्वल जिसका मास परसेंटेज पता करना है उसका मास पहले रखेंगे डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। अब यहां पर देखिए डब्ल्यू बी आपका कितना था? डब्ल्यू बी मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास 122 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा? बेंजीन का मास रख दीजिए और साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास डब्ल्यू बी रख दीजिए 122 इंटू 100। इधर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 122 डिवाइडेड बाय 144 इनटू 100। इसका आंसर होगा यही 84.72%। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन C9H8O4 इन एसीटोनाइट्राइल CH3CN व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ C9H8O4 is dissolved in
450 ग्राम ऑफ CH3Cl। सिंप्लीफाई करने के लिए हम एस्पिरिन को ए मान लेते हैं, ताकि हमें फार्मूला में बार बार एस्पिरिन ना लिखना पड़े या यहाँ पर बार बार हमको एसीटोनाइट्राइल ना लिखना पड़े कि एस्पिरिन है, और बी को मान लेते हैं WAMS, मास ऑफ एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का मास कितना है 6.5 ग्राम। इसी तरह WB इक्वल मास ऑफ एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल का मास यहां दिया हुआ है 450 ग्राम। अब हमें मास परसेंटेज किसका पता करना है, एस्पिरिन का। मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इक्वल WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। अब हम इनकी वैल्यू इधर पुट अप करते हैं। WA मीन्स 6.5 ग्राम डिवाइडेड बाई WA अगेन 6.5 ग्राम प्लस WB 450 ग्राम, 450 ग्राम इंटू 100। अब आप इसे सॉल्व करिए, 1.42%। अब यदि एसीटोनाइट्राइल का परसेंटेज पता करना चाहते हैं तो आप इसे 100 से सब्ट्रैक्ट करके एसीटोनाइट्राइल का भी परसेंटेज पता कर सकते हैं। मास परसेंटेज ऑफ एसीटोनाइट्राइल इक्वल 100 माइनस 1.42 इक्वल परसेंटेज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब क्वेश्चन में इस बार आपको मास परसेंट ऑलरेडी दे रखा है, तो आपने यहां पर रख दिया 60 इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट। आपको पता करना है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया गया है 800 × 100। अब आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको इजीली मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल 60 × 800 डिवाइडेड बाय 100, ये आपको मिल जाएगा 480 ग्राम। तो यहाँ सॉल्यूट का मास आपने कैलकुलेट कर लिया 480 ग्राम। तो इस बार इस क्वेश्चन को देखें, कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इफ 450 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन हैविंग 30% सॉल्यूट WYW। मींस इस बार आपको यहां पर सॉल्यूट का मास दे दिया गया है और सॉल्यूट का परसेंटेज भी दे दिया गया है
सॉल्यूशन का मास पता करना। तो फार्मूला पहले जैसा ही होगा, मास परसेंटेज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास परसेंटेज आपको दिया है 30, यहां 30 लिख देना है, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 450 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी 12th एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.7 से लिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मतलब इस बार दो तरह के सॉल्यूशन लिए गए हैं और दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया है। मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज क्या होगा। तो हमको यहाँ दो सॉल्यूशन दिए गए, एक सॉल्यूशन ए है और दूसरा सॉल्यूशन बी है। एक सॉल्यूशन है जो 300 ग्राम यूज किया गया है और उसकी परसेंटेज कितनी है ऑफ 25%। ये सॉल्यूशन आपका फर्स्ट हो गया। दूसरा सॉल्यूशन लिया गया है, 400 ग्राम लिया गया है और इसमें मास परसेंटेज दी गई है कितनी 40%। ये आपका सेकंड सॉल्यूशन है। अब दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर दिया गया और उसके बाद हमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास परसेंटेज पता करना है। तो इसका मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि सॉल्यूशन फर्स्ट में सॉल्यूट कितना है और सॉल्यूशन सेकंड में सॉल्यूट कितना है। तो पहले हम फर्स्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट पता कर लेते हैं और फिर सेकंड सॉल्यूशन में सॉल्यूट पता कर लेते हैं। सॉल्यूट को पता करने के लिए हमने इसके पहले एक क्वेश्चन पढ़ा है जिसमें फार्मूला सेम यही रहता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन फर्स्ट। तो फार्मूला आपका यही है। तो फार्मूला यही है, मास परसेंटेज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आपको सॉल्यूशन फर्स्ट में सॉल्यूशन का मास 300 ग्राम दिया गया है और सॉल्यूट का जो परसेंटेज दिया गया 25%। मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता करना है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन आपको 300 ग्राम दिया गया है और इसे 100 से मल्टीप्लाई करें, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल 25 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 175 ग्राम। फर्स्ट सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूट का मास कितना मिल गया, 75 ग्राम मिल गया। अब सेकंड सॉल्यूशन में भी इसी तरह सॉल्यूट का मास हमें डिटरमाइन करना है। तो फार्मूला यही रहेगा, मास परसेंटेज इक्वल मास ऑफ
सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. मास परसेंटेज इसका दिया गया है 40 और टोटल इसका सॉल्यूशन का मास दिया गया है 400 और मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता करना है. तो मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल 40 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 100. अब आपने ये पता कर लिया कि फर्स्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास कितना है और सेकंड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास कितना है. दोनों सॉल्यूशन के सॉल्यूट के मास को ऐड कर देंगे. मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन फर्स्ट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन सेकंड. ये आपको मिलेगा सॉल्यूट सॉल्यूशन फर्स्ट में सॉल्यूट का मास आपने पता किया 75 ग्राम और सॉल्यूशन सेकंड में सॉल्यूट का मास आपने पता किया है 160 ग्राम. टोटल हो जाएगा 235 ग्राम. अब हम टोटल मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन पता करेंगे जिसमें से पहले वाले सॉल्यूशन का मास 300 ग्राम था और जब आपने दूसरे सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया है तो 400 ग्राम और हुआ. टोटल हो गया आपका 700 ग्राम. अब इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में आपने पता किया कि दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद सॉल्यूट का टोटल मास 235 ग्राम आया है और टोटल सॉल्यूशन का मास 700 ग्राम है. तो इस सॉल्यूशन में अब हम मास परसेंटेज पता कर सकते हैं. मास परसेंटेज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. इस समय मास ऑफ सॉल्यूट 235 जो आपने भी डिटरमाइन किया रिजल्टिंग सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास 235 और रिजल्टिंग सॉल्यूशन का टोटल मास कितना इस समय पता किया आपने 700 ग्राम और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 33.57%. यह क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th सॉल्व प्रॉब्लम 1.6 से लिया गया है. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए. अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट. आपने 2 ग्राम किसी सब्सटेंस को वाटर के 18 ग्राम में डिजॉल्व कर दिया. आप इसका मास परसेंटेज कैलकुलेट करें.